हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ न्यूमेरिकल्स को, आपके कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना, और आपने शायद देखा होगा कि क्वेश्चंस के थ्रू कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू कितनी चीज़ों का आप जान सकते हो, यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है हमेशा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूरत नहीं होती है, आप जो भी कंसेप्ट सीखते हो उसका कितना आप एप्लीकेशन दे सकते हो वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है, आप देख सकते हो, अ सिंगल फेज अल्टरनेटर हैज अ सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ 2 ओम। इसका मतलब क्या है? सबसे पहली चीज, यहां पे जो अल्टरनेटर है दैट इज नॉट ए 3 फेज अल्टरनेटर, इट्स जस्ट ए सिंगल फेज अल्टरनेटर। तो यहां लाइन वाइन जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ओके, लाइन फेज सब एक ही चीज है, इसलिए एक चीज तो क्लियर हो गया कि लाइन फेज जैसी कोई चीज नहीं इसमें करना है। एवरीथिंग इज अ फेज, लाइन सब एक ही चीज है, बिकॉज इट्स अ सिंगल फेज। ओके, तो मेरे पास सबसे पहली चीज जो गिवन है दैट इज योर सिंगल फेज सिंक्रोनस जनरेटर। अल्टरनेटर मतलब जनरेटर, इज इट करेक्ट? तो ये मेरे पास सिंगल फेज आपका अल्टरनेटर हो गया, जिसका सिंक्रोनस रिएक्टेंस इन्होंने दिया है। तो एक्सिस की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू कितना है, 2 ओम के इक्वल, इट्स अ 2 ओम। एंड उन्होंने कहा है एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस का मतलब है जो आर्मेचर स्टेटर में जो रेजिस्टेंस है, आर ए की वैल्यू क्या है, 0 ओम के इक्वल है, ऐसा कह रहा है वो। ओके, अब कह रहा है इफ इट इज इट सप्लाइज 10 एम्पीयर टू ए प्योरली कैपेसिटिव लोड। तो इसका मतलब हो गया कि अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूं, जो लोड मेरा है, लोड कैसा है, दैट इज प्योरली कैपेसिटिव लोड। प्योरली कैपेसिटिव लोड, कैपेसिटिव लोड, प्योरली कैपेसिटिव लोड, इज इट करेक्ट? अब प्योरली कैपेसिटिव लोड है जो ऑपरेट कर रहा है कितने पे, 200 वोल्ट पे, और जो करंट ले रहा है वो कितना ले रहा है, दैट इज इक्वल टू 10 एम्पीयर। इसका मतलब अगर मैं सर्किट ड्रॉ करूं इसका, तो सर्किट कैसा आएगा जरा देखिए। ये हो गया अल्टरनेटर का इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएफ, दिस इज योर ईएफ, बार लगाना बिल्कुल मत भूलना, दिस इज ईएफ। नेक्स्ट बताइए, यहां पे क्या होता है आपका सिंक्रोनस रिएक्टेंस, एंड नेक्स्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस सिंक्रोनस। तो ये आपका कुछ इस तरीके का आपका अल्टरनेटर होता है। अगर ये अल्टरनेटर है तो इसका मतलब ये हो गया वीटी बार, और यहां पे एक लोड कनेक्टेड है, वो लोड कैसा बेटा, कैपेसिटिव इन नेचर। तो मैं इसको ऐसे हटा देता हूं यहां पे, और यहां पे सिंपली मैं क्या लिख देता हूं, दैट इज योर कैपेसिटिव लोड है। ओके, ये कैपेसिटिव लोड है जिसकी वैल्यू उन्होंने मेंशन किया, दिस इज अ प्योर कैपेसिटर। ओके, अब ये अगर अल्टरनेटर है, ये सप्लाई कर रहा है, तो इसका मतलब जो लोड करंट होगी और जो आर्मेचर करंट, दोनों डायरेक्शन ये होगी आईए, और ये भी क्या होगा, आईए की इक्वल, या इसी का आप कह सकते हो लोड करंट आईएल की इक्वल, इज इट करेक्ट? ये इंडक्टिव करंट नहीं है, दिस इज द लोड करंट, एल मीन्स लोड करंट। ओके, अब आप बताइए, अब इसमें क्या क्या चीजें मेंशन है, आर एक वैल्यू 0 है तो इसको 0 कर दो, 0 मतलब ये खत्म हो गया, यहां क्या बचेगा, जे एक्सेस ओनली बचेगा, इज इट करेक्ट? अब कह रहा है कि ये कितने पे ऑपरेट कर रहा है, इसका मतलब लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो पहले से मेंशन है 200 वोल्ट। तो वीटी की वैल्यू जो दे रखा है 200 वोल्ट दे रखा है, इज इट करेक्ट? सिंगल फेज है तो कोई जरूरत नहीं कोई कन्वर्जन की, किसको लाइन लेना है, फेज लेना है, इट्स जस्ट अ सिंगल फेज। 3 फेज होता तो ये वोल्टेज क्या कहलाता, दिस इज द लाइन वोल्टेज, आप उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, फेज में, डिपेंडिंग अपॉन द स्टार है कि डेल्टा कनेक्शन आपका अवेलेबल है। ओके, तो वीटी वैल्यू इतनी हो गई। नेक्स्ट, करंट जो ड्रॉ कर रहा है कितना एम्पियर कर रहा है, 10 एम्पियर। इसका मतलब आईए का जो मैग्नीट्यूड, ये सब मैग्नीट्यूड है बेटा, आईए का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 एम्पियर के इक्वल है, ये भी आपको पता चल गया। अब पूछ रहा आपसे द जनरेटेड ईएमएफ एंड परसेंटेज रेगुलेशन कितना होगा। जनरेटेड ईएमएफ मतलब कितना हुआ, ईएफ की वैल्यू उससे आपसे पूछा गया है, तो ईएफ की वैल्यू आपसे पूछा गया कितना आएगा, मैग्नीट्यूड में कितना निकल के आएगा, इज इट करेक्ट? अब आप बताइए, अब अगर मैं इसको फेजर डायग्राम से करना चाहूं या मैं इक्विवेलेंट सर्किट से करना चाहूं, इट डिपेंड्स। ओके, अब अगर मैं कहता हूं कि चलो ठीक है, अगर ये एक प्योर कैपेसिटिव लोड है, तो सबसे पहली चीज बताइए, अगर मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म से जाता, मैग्नीट्यूड फॉर्म अगर मैं अप्लाई करता, फिर हम फेजर डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं फर्स्ट मेथड की बात करूं, मैग्नीट्यूड फॉर्म, इज इट करेक्ट, मैग्नीट्यूड फॉर्म।
अब अगर ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है, यू नो वेरी वेल मैग्नीट्यूड फॉर्म के लिए अगर अल्टरनेटर है तो यू नो ईएफ इज इक्वल टू कितना होता है, ईएफ इज इक्वल टू रूट ऑफ, बोलिए जरा कितना होता है बेटा, वी टी कॉस फाइव प्लस आई ए आर ए, ये अल्टरनेटर है, का स्क्वायर प्लस वी टी साइन फाइव प्लस माइनस आई ए कितना एक्सेस का होल स्क्वायर। जहां पे प्लस साइन आप कब लेते हो, व्हेन इट इज अ लैगिंग लोड तब यहां प्लस लेते हो, इफ इट इज अ लीडिंग लोड देन वहां क्या लेते हो आप, माइनस साइन आप यूज करते हो। आई थिंक इट्स करेक्ट, मेरे हिसाब से करेक्ट है। अब आप बताइए, अब अगर ये ऐसा है तो अब इसको अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म से आप देखो तो क्या एग्जैक्टली ट्रू हो पाएगा, देखते हैं जरा ध्यान से। अगर ये प्योर कैपेसिटिव लोड है तो प्योर कैपेसिटिव लोड का मतलब क्या होता है, प्योर कैपेसिटिव लोड का मतलब होता है ये जो मैग्नीट्यूड निकल के आया है ये कब है, ये फेजर डायग्राम से ही निकल के आया है, उसी को आप सॉल्व करके कैलकुलेट किए हो। तो आप बताइए जरा, अगर ये प्योर कैपेसिटिव लोड है तो इसका मतलब क्या हो गया, कैपेसिटिव अगर कैपेसिटर है तो आप जरा बताइए पावर फैक्टर क्या होता है इसका, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वी टी और जो इसके अंदर करंट फ्लो कर रही होगी आईए, इन दोनों बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये कंफर्म्ड है, चाहे प्योर इंडक्टर हो चाहे आपका प्योर कैपेसिटर हो। लेकिन इसमें बताइए करंट वोल्टेज में अगर वी को मैं रेफरेंस लेता हूं तो बताइए कौन सा लीड करेगा कौन सा लैग करेगा, अगर ये कैपेसिटिव है तो मैं कहूंगा आईए लीड्स वी टी बाई वॉट एंगल, बाई 90 डिग्री, इज इट करेक्ट नॉट। अब अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब यही 90 डिग्री जो होगा लोड के क्रॉस जो वोल्टेज और करंट है उनके बीच का जो एंगल है उसका कोसाइन जो होता है दैट इज नोन एज द पावर फैक्टर, लोड पावर फैक्टर। तो इसका मतलब कह सकता हूं कि अगर मैं कॉस 90 डिग्री निकालूं तो इसका मतलब पीएफ कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू कितना, जीरो की इक्वल। इसका मतलब मैं कह सकता हूं अगर ये कैपेसिटिव लोड है तो पावर फैक्टर कैसा है, कॉस फाइव इज इक्वल टू जीरो, कैसा, लीडिंग इन नेचर, लीडिंग, इज इट करेक्ट। तो पावर फैक्टर कैसा है, जीरो की इक्वल है। अब अगर कॉस फाइव जीरो है तो साइन फाइव कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है साइन फाइव इज इक्वल कितना होगा, वन की इक्वल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। कॉस फाइव अगर बेटा जीरो है तो बोलिए कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती, साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू वन, इसका मतलब साइन फाइव कितना होगा, वन होगा। तो अब इसी चीज को मैं यहां पे पुट कर दूं, दैट्स इट, तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए। तो आप बताइए अब अगर ये अगर मैं यहां पुट करता तो मेरे पास कैसी वैल्यू निकलती, देखिए जरा ध्यान से, प्योर कैपेसिटिव लोड है तो बोलिए जरा ई एफ का मैग्नीट्यूड अगर निकालते तो ई एफ इज इक्वल टू आएगा, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ वी टी वैल्यू पुट करिए बेटा 200 इंटू कॉस फाइव कितना जीरो है प्लस का आई एक वैल्यू 10 एम्पियर है इंटू आर एक वैल्यू कितने जीरो की इक्वल है, इसका क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया, इज इट करेक्ट। नेक्स्ट बताइए प्लस का वी टी कितना है 200 है, साइन फाइव की वैल्यू 1 है। अब अगर ये लीडिंग पी एफ लोड है, लीडिंग है ऑब्वियस बात है तो यहां कौन सा साइन आना चाहिए, दिस मस्ट बी माइनस साइन, तो माइनस मैंने कर दिया, आई एक वैल्यू 10 है, एक्सेस की वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना बेटा 2 ओम की इक्वल, तो दिस विल बी लाइक दिस वन, इसका स्क्वायर। तो आप जरा देख के बताइए इसमें ये तो जीरो जीरो हो गया तो इसका मतलब ई एफ जो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 200 माइनस 20 का क्या स्क्वायर, या मैं इसी चीज को लिख सकता हूं 200 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना 180 वोल्ट की इक्वल, सही। तो ई एफ का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा 180 वोल्ट की इक्वल आएगा, इज इट करेक्ट। तो मेरा तो निकल गया, तो इसमें जो ऑप्शन आपके 180 के फॉर्म में है वही ट्रू होंगे, या तो सी ट्रू होगा या तो क्या ट्रू होगा, ए ट्रू होगा, ये दोनों तो आपके कैंसिल हो गए क्योंकि इनका वोल्टेज कितना दिखा रहा है 200 वोल्ट दिखा रहा है ईएफ की वैल्यू। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड फॉर्म। अब अगर मैं फेजर से लेके चलता तो फेजर कैसे सॉल्व करता, देखिए जरा ध्यान से, यही चीज आएगा, सेम चीज सेम रिजल्ट आएगा, देखिए जरा कैसे चेक करते फेजर से। अब अगर मैं फेजर ड्रॉ करूं तो फेजर देखो जरा कैसा बनेगा, तो आप बताइए अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूं तो इक्वेशन कैसा आएगा, ध्यान से बताइएगा इक्वेशन कैसा आएगा, लगाइए इसमें कीवीएल, इक्वेशन कैसा आएगा बेटा। तो सेकंड मेथड जो है वो फेजर अप्रोच है, देखिए जरा फेजर से कैसे निकल के आएगा, सेकेंड वन इज द फेजर अप्रोच, आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए फेजर अप्रोच, ओके। अब फेजर अप्रोच देखिए कैसे आप कर सकते हो, फेजर अप्रोच क्या होगा, अगर मैं लिखूं इक्वेशन तो मिलेगा मुझको ई एफ का बार इज इक्वल टू वी टी बार प्लस जे आई ए एक्सेस, सही है कि नहीं सही है, देख लो जरा ध्यान से।
ईएफ इसका ड्रॉप और ये भी ठीक, तो ये आपके पास ये कुछ इस तरीके की वैल्यू आ गई। इज इट करेक्ट नॉट? बिल्कुल परफेक्ट है। अब बताइए जरा, अब बताइए जरा, अब इसका अगर मैं फेजर डायग्राम में लिखना चाहूं तो फेजर डायग्राम कैसे बनाओगे जरा ये देखिए जरा। डायरेक्ट वैल्यू निकाल के भी ले सकते हो। वीटी को अगर मैं रेफरेंस मानूं, वीटी इज माय रेफरेंस, तो इसका मतलब वीटी एंगल कितना होगा? 0 डिग्री की इक्वल आएगा। इज इट करेक्ट? बिल्कुल परफेक्ट है। अब बताइए, अब अगर मैं आईए बार को लिखना चाहूं कि आईए बार कितना होगा, तो आईए बार कितना होगा बेटा? आईए बार का, आईए का मैग्नीट्यूड कितना? 10 एम्पियर की इक्वल है। एंड यू नो दैट कितने पावर फैक्टर से लीड या लैग कर रहा है? 90 डिग्री से लीड या लैग कर रहा है। तो 90 डिग्री से लीड कर रहा है किसको? वोल्टेज को। इसका मतलब प्लस का कितना? 90 डिग्री आएगा। एकदम परफेक्ट है। अब इस वैल्यू जरा इसके अंदर पुट कर दो, क्या मिलेगा? ईएफ बार इज इक्वल टू वीटी वैल्यू कितनी है? 200। एंगल कितनी? 0 डिग्री। प्लस का जे मतलब होता है 1 एंगल 90 डिग्री। इज इट करेक्ट? मल्टीप्लाइड बाय आईए की वैल्यू है 10 एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय एक्सएस, और एक्सएस की वैल्यू कितनी है? दैट इज इक्वल टू 2 की इक्वल। इसका मतलब ये 2 की इक्वल आ गया। एकदम परफेक्ट। नेक्स्ट बताइए, दिस विल बी नाउ 200 एंगल 0 डिग्री प्लस का 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। एंगल कितना बनेगा? 90 कितना हो गया? 180 डिग्री की इक्वल आ गया। एकदम परफेक्ट है, नहीं परफेक्ट है? ये वैल्यूज आपके निकल के आ गई। अब बताइए अब क्या होगा? अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा? देखिए जरा ध्यान से, दिस विल बी 200 एंगल 0 डिग्री प्लस का, सॉरी इसको सॉल्व कर दो आप, कितना आ जाएगा? इसको एंगल फॉर्म निकाल लो, आपका 90 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट आएगा आपका ईएफ के बीच में। देखिए जरा कैसे, 200 एंगल 0 यू कैन कैलकुलेट, नेक्स्ट प्लस 20 एट एन एंगल ऑफ कितना? 180 डिग्री। तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा? दिस विल कम आउट टू बी 180 एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री का आएगा डिफरेंस। दिस विल कम आउट टू बी 0 डिग्री, दिस सॉरी 0 डिग्री, ओके 0 डिग्री, ओके। ये क्या आ गया आपका? दिस इज योर ईएफ वैल्यू। आर यू गेटिंग द पॉइंट? दिस इज योर 0 वैल्यू। तो 180 डिग्री एंगल कितना आया? 0 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ये वैल्यू क्या चीज है? दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल, और ये डेल 0 होना भी चाहिए था, ये डेल की वैल्यू 0 होना भी चाहिए था, क्योंकि अगर ये कैपेसिटिव लोड है, डेल की वैल्यू 0 होना जरूरी था। अगर ये लोड कैपेसिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है ना, एक्टिव पावर का कंजम्पशन इस पूरे सर्किट में, एक्टिव पावर का कंजम्पशन 0 है। व्हाई इट इज 0? व्हाई इट इज 0? ये प्योर इंडक्टिव नेचर है, ये कैसा? प्योर कैपेसिटिव नेचर है। एंड यू नो दैट इन केस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर एक्टिव पावर का कंजम्पशन क्या है? 0 होगा। इसका मतलब क्यों एग्जिस्ट क्या करेगा? दैट इज ओनली द रिएक्टिव पावर, दैट्स इट। अब इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, कैसे? आपको दिख भी रहा है चीज कि दिस इज द कैपेसिटर एंड दिस इज द इंडक्टर, दैट मींस एक्टिव पावर का कंजम्पशन क्या होगा सर्किट में? 0। इसका मतलब एक्टिव पावर तो 0 आएगा ही आएगा, मतलब देयर विल बी नो एक्टिव पावर अवेलेबल इन दिस सर्किट, कोई भी एक्टिव पावर नहीं होगा, जनरेटर कोई भी एक्टिव पावर ट्रांसफर नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर इंडक्टर है और यहां के आसपास दिस इज योर कैपेसिटर। दिस इज द बेसिक सिंपल नेटवर्क थ्योरी। अब इसको अगर प्रूफ करना चाहते हो कि क्या वाकई में ऐसा है, बट रिएक्टिव पावर विल एग्जिस्ट, देखते जरा कैसे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो ये आपको हो गया ये। अब अगर फेजर डायग्राम में इसका बनाऊं तो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा जरा बताइए, फेजर डायग्राम कैसे बनाओगे आप? बना देते हैं, फेजर डायग्राम भी देख लो। जैसे इस तरीके प्रॉब्लम में कभी इशू ना आए आपको, या आप चाहे प्योर एल लगा दे या प्योर सी लगा दे, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ओके। देखिए जरा ध्यान से, अब अगर फेजर डायग्राम बनाते तो क्या करते? दिस इज योर वीटी, एकदम परफेक्ट। करंट जो है, लोड करंट जो है वीटी के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री लीड कर रही है, तो 90 डिग्री इसको लीड करा दो, दिस इज योर 90 डिग्री। इज इट करेक्ट टू नॉट? दिस इज आईए, एकदम परफेक्ट है, ओके। अब बताइए, अब आपको क्या चाहिए? ईएफ चाहिए। तो ईएफ देखते कहां मिलेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो क्या मिल रहा है? वीटी प्लस का जे आईए एक्सेस, एंड आईए एक्सेस इज द ड्रॉप अक्रॉस दिस इंडक्टर,
या ये जो रिएक्टेंस वैल्यू है इसके क्रॉस ड्रॉप है। अब इसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा, इसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा वो इंडक्टर है, तो इसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा वो जो भी इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं वो उससे लीड करेगा 90 डिग्री, जबकि इसका जो वोल्टेज होगा और इसमें जो करंट होगी, करंट लैग करेगी इसके वोल्टेज से 90 डिग्री, और वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा 90 डिग्री इसकी करंट से। तो इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, आईए फ्लो कर रही है। इसके क्रॉस जो वोल्टेज वो क्या है आपका, आईए इंटू कितना, एक्सेस की इक्वल है। इसका मतलब आईए एक्सेस लीड करना चाहिए आईए को, तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब कुछ इस डायरेक्शन में आपका आना चाहिए। इस डायरेक्शन नहीं जा सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर इस डायरेक्शन जा रहे हो मतलब क्लॉकवाइज चल रहे हो, मतलब लैग कर रहा है। वो तब होता जब आपका यहां पे क्या होता है, यहां कोई कैपेसिटर आपका लगा होता तब आप ऐसा कर सकते थे। तो इसका मतलब हो गया कि वीटी आपको दिख रहा है साफ साफ कि वीटी में प्लस का इतना फेजर अगर एड करना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस जितनी भी इसकी वैल्यू होगी आई एक्सेस का जितना मल्टीप्लीकेशन आएगा, जो लेंथ आएगी उसको मैं यहां पर शो करूंगा लाइक दिस वन, इज इट करेक्ट, और इसको क्या लिखूंगा आईए एक्सेस, सही है नहीं सही। अब बताइए, अब अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब ये लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगी, ई एफ क्या है, वी टी और प्लस का जे आईए एक्सेस, इसका मतलब ये चीज क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये ब्लू वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, ई एफ को रिप्रेजेंट करेगी। एकदम परफेक्ट है कि नहीं परफेक्ट है। अब अगर ये ई एफ को रिप्रेजेंट कर रही है तो आपको दिख रहा है एक ही लाइन पे सब कुछ है, इसका मतलब अल्जेब्रिक समेशन या सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है। तो आप बताइए EF का अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहता तो मैं डायरेक्ट यहां लिख सकता था कैसे, EF इज इक्वल टू कितनी लेंथ है EF की, देखिए जरा ये लेंथ कितने की इक्वल होगी, टोटल लेंथ है VT, VT में से अगर IE एक्सेस की लेंथ को माइनस कर दूं तो क्या आएगा, VT माइनस कितना IE एक्सेस, दैट्स इट। इतना अगर मैं कर दूं तो EF का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट आएगा इसका, और एंगल कितना है VT के साथ EF का, 0 डिग्री, दिख रहा है ना, EF इसी डायरेक्शन में, VT इसी डायरेक्शन में, इसका मतलब एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। अगर EF यही अपोजिट डायरेक्शन में आता लाइक दिस वन, ऐसे कुछ आता तब आप कहते EF और VT के बीच का एंगल कितना मिलता, 180 डिग्री के इक्वल मिलता, बट EF का डायरेक्शन VT डायरेक्शन दोनों सेम है, दिस मींस दैट EF को मैग्नीट्यूड डायरेक्ट यहां से फेजर से निकाल सकते थे, 200 माइनस आईए 10, एक्सेस कितना है 2 इज इक्वल कितना 180 वोल्ट, आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते थे, दैट इज ऑल्सो ट्रू, इज इट करेक्ट। तो फेजर डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा जैसा मैंने यहां पे शो किया है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आप फेजर डायग्राम एग्जैक्टली कैसे बनाते हो, वो हमेशा इंपॉर्टेंट बेटा आपके लिए। अब आप बताओ, अब EF और VT के बीच का एंगल साफ साफ जीरो दिख रहा है, तो इसका मतलब EF और VT के बीच का एंगल को ही हम क्या कहते हैं, डेल, दैट इज कॉल्ड कितना, 0 डिग्री की इक्वल, सही है। phi की वैल्यू कितनी है, लोड पावर फैक्टर कितना है, दैट इज कॉल्ड टू phi का एंगल कितना है, 90 डिग्री दिख रहा है साफ साफ। आईए और किसके बीच का, VT के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, लीडिंग इन नेचर, कैसा था, लीडिंग इन नेचर। अब बताइए, अब कोई पूछे इंटरनल पावर फैक्टर एंगल कितना होगा, साई इज इक्वल टू क्या होता है, आईए और EF के बीच का एंगल, वो भी तो 90 डिग्री दिखाई दे रहा था, इसका मतलब वो भी कितना होगा, 90 डिग्री की इक्वल, इज इट करेक्ट नो, बिल्कुल परफेक्ट है। अब बताइए ये आपके, देखिए इससे कितनी सारी चीजें मिल गई, कोई पूछता है इंटरनल पावर फैक्टर एंगल बताओ, कोई कहता है कि लोड एंगल बताइए कितना होगा, दैट इज ऑलवेज ट्रू, आप निकाल सकते हो इस तरीके से। अब अगर इसी क्वेश्चन पूछता कि एक्टिव पावर या पावर कितना ट्रांसफर किया जनरेटर ने, जनरेटर ने यहां से कितना पावर ट्रांसफर किया ये निकालना होता, तो आपको मैंने बताया था अगर पावर ट्रांसफर आप निकालना चाहते हो एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, तो एक्टिव पावर अगर यहां से निकालना चाहते हो क्या मिलेगा बेटा, पी इन इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट मल्टीप्लाइड बाय जो उस वोल्टेज उस करंट के बीच का एंगल उसका कोसाइन, दैट इज योर पावर फैक्टर। तो आप बताइए यहां का वोल्टेज कितना, ईएफ, तो मैं क्या लिखूंगा, ईएफ, करेक्ट है। करंट कितनी फ्लो कर रही है, आईए, करंट कितनी आईए, और आईए और ईएफ के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, साई है, तो आप क्या लिख सकते हो, कॉस कितना होगा, साई की इक्वल आएगा, दिस इज द एक्टिव पावर ट्रांसफर फ्रॉम दिस टर्मिनल, इसका मतलब ये हो जाएगा 180 इंटू 10 इंटू कॉस कितना 90 डिग्री, दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी कितना, 0 वॉट के इक्वल। मतलब जनरेटर से कोई भी एक्टिव पावर नहीं निकलेगा क्योंकि यहां कोई कंज्यूम करने के लिए है ही नहीं, तो एक्टिव पावर वो क्यों ट्रांसफर करेगा, ऑब्वियस सी बात है। ओके, नेक्स्ट बताइए, अब अगर यही रिएक्टिव पावर पूछता क्यों इन कितना हुआ, जनरेटर कितना दे रहा है, इज इट करेक्ट, तो आप बताइए कितना होता, रिएक्टिव पावर कितना ट्रांसफर होगा, ई एफ इंटू आई ए इंटू कितना, साइन साइन,
सही कि नहीं सही है? तो साइन सही होगा, साइन सही अगर होगा तो इसका मतलब क्या होगा, 180 इंटू कितना 10 इंटू कितना साइन 90 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 1 की इक्वल, इसका मतलब कितना आ जाएगा 1800 कितना कितना वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, तो कितना आ गया आपका 1800 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। समझ में आ रही इतनी बात, 1800 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव आपका आएगा। अब कंजम्पशन कितना कितना हो रहा है, लोड कितना रिएक्टिव पावर को लोगा, ये अगर निकालना होता है, लोड अगर निकालना है तो लोड के क्रॉस रिएक्टिव पावर कितना आएगा क्यू, लोड अगर निकालूं तो लोड के क्रॉस वोल्टेज कितना वी टी, लोड में करंट कितनी आई ए, कितना लिखोगे साइन साइ, साइन कितना वी टी और आई ए बीच का एंगल कितना है फाइव की इक्वल, तो आप क्या लिखोगे साइन फाइव, वी टी वैल्यू आई है अभी अभी आप 200 इंटू आई ए की वैल्यू है बेटा 10 इंटू साइन फाइव की वैल्यू है 90 डिग्री, तो कितना आएगा 1, इसका मतलब कितना हो गया 2000 कितना आया 2000 वो वी ए आर, इज इट करेक्ट टू नॉट। अब आप कहोगे सर यहां से ट्रांसफर तो केवल इतना किया था 1800, ठीक, तो बताइए ये 2000 ये अकेले कैसे ले सकता है, अरे रुक जाओ जस्ट वेट अ सेकेंड, ये आपका वी आर आगे कैसा होगा लीडिंग इन नेचर, कैसा है लीडिंग इन नेचर, कैसा है बेटा लीडिंग इन नेचर। अब बताइए लीडिंग क्यों है, लीडिंग इसलिए है कि आपका एक कैपेसिटिव लोड है, इज इट करेक्ट। अब बताइए अब यहां पे आ जाइए, ये आपके पास क्या है, दिस इज द इंडक्टिव टाइप लोड, ये कितना रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करेगा बताइए जरा, कितना आएगा रिएक्टिव पावर क्यू इज इक्वल टू, ओके यहां के पावर निकाल रहा हूं, बोलिए इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हो कितना है आई ए इंटू एक्सेस, अरे यही तो वोल्टेज है, और आई ए इंटू एक्सेस यही तो वोल्टेज ना, दिस इज द वोल्टेज आई ए इंटू एक्सेस, आई ए इंटू एक्सेस, आई ए की वैल्यू कितनी बेटा दैट इज इक्वल टू 10, एक्सेस की वैल्यू कितनी 2, इसका मतलब कितना हो गया 20, तो ये हो गया I into excess voltage हो गया, करंट की वैल्यू कितनी आई ए है, तो करंट की वैल्यू आई ए है, इसका मतलब 10 से और मल्टीप्लाई कर दो इंटू आई ए इंटू एक्सेस, और आई ए के बीच का एंगल कितना है आई ए इंटू एक्सेस, और आई ए के बीच का जो एंगल है वो कितना है आपका दैट इज इक्वल टू कितना, कितना एंगल दिखाई दे रहा है आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री दिख रहा है, इसका मतलब यहां क्या होगा 1 की इक्वल आएगा, ये कितना होगा दैट इज इक्वल टू 200 वार के इक्वल, इज इट करेक्ट, इज इट करेक्ट। अब बताइए ये इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर कैसा होगा लैगिंग, इसका लैगिंग होगा, इट्स अ इंडक्टिव नेचर, इट्स अ कैपेसिटिव नेचर, तो बताइए ओवरऑल जो यहां से निकलेगा इसका, इसका ओवरऑल जो आएगा वो कैसा बिहेवियर होगा आपका, 200 लैगिंग है 2000 आपका लीडिंग है, तो इसका मतलब कितना ट्रांसफर करेगा 1800 कितना वी आर की इक्वल, और जिसका नेचर कैसा होगा, जिसका नेचर कैसा होगा जो यहां से जाएगा वो कैसा नेचर होगा दैट विल बी लीडिंग इन नेचर, बिकॉज दिस इज द leading in nature and this is the lagging in nature, you can calculate how to get the values, is it correct or not? तो आपको ये समझना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन अगर दिया गया तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे क्या क्या चीज आप लगा सकते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट ये सब मैं बताऊंगा आपको अभी पावर इक्वेशन जब कराऊंगा तब मैं डिटेल बताऊंगा कैसे एक्टिव रिएक्टिव पावर का फ्लो आपको करना है, अभी बस एक आइडिया देने के लिए मैंने ऐसे बता दिया आपको, आपको मैं समझाऊंगा एग्जैक्टली होता कैसे है और ये पावर कैसे कैलकुलेशन की जाती, क्यों प्लस माइनस हो जाता है, रिएक्टिव पावर प्लस प्लस कब होगा, माइनस माइनस कब हो जाता है, या प्लस माइनस कब हो जाता है, कब एडिशन होता है, कब क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा इन पावर फ्लो इक्वेशन, इज इट करेक्ट, ये आपका हो गया। अब बताइए तो इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीख सकते हो आप, दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन, ओके। अब आप बताइए, अब पूछा है वोल्टेज रेगुलेशन, तो वोल्टेज रेगुलेशन अगर कैलकुलेट करना है तो रेगुलेशन, यू नो व्हाट इज द रेगुलेशन, रेगुलेशन का मतलब होता है रेगुलेशन, रेगुलेशन परसेंटेज इज इक्वल टू वी टी की अंडर नो लोड वैल्यू, नो लोड कंडीशन कितनी वैल्यू होगी, माइनस वी टी की अंडर लोड कंडीशन कितनी वैल्यू होगी, और डिवाइड बाय कितना VT की रेटेड वैल्यू, इज इट करेक्ट नॉट, ये आपका होता है फॉर्मूला फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। अब आप बताइए अगर नो लोड कंडीशन बात करूं, अगर मैं इस कैपेसिटर को हटा दूं तो उसके क्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, ड्रॉप सारे जीरो हो जाएंगे एक्सेस के क्रॉस, तो जो इतना EF होगा वही उसका वोल्टेज होगा, तो मैं लिख सकता हूं ना दिस विल बी EF माइनस, अंडर लोडेड कंडीशन में कितना वोल्टेज है 200 वोल्ट दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा VT 200 की इक्वल डिवाइड बाय VT रेटेड, यहां पर इन्होंने कोई भी वोल्ट रेटिंग तो वैसे कोई मेंशन किया नहीं कि इतने वोल्ट का अल्टरनेटर है, अगर नहीं मेंशन किया तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो आपके पास VT दिया हुआ है आप उसको ही लोगे, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, इसका मतलब ये भी क्या होगा सिंपली VT, इसका मतलब कितना हो गया 180
माइनस 200 डिवाइड बाय कितना 200 दैट इज इक्वल टू माइनस 20 डिवाइड बाय 200 ये जीरो कैंसिल आउट हुआ ये वन से वन कैंसिल आउट हुआ कितना आ गया आपका माइनस 0.1 इनटू 100 कर दो तो कितना आ गया माइनस का 10% कितना आएगा बेटा माइनस का 10% इसका मतलब आंसर कौन सा करेक्ट होगा ए इज द राइट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 180 डिग्री वोल्ट आएगी ईएफ की वैल्यू एंड वोल्टर रेगुलेशन जो आएगा कितना आएगा माइनस का 10% और ये आना भी चाहिए था नेगेटिव में क्यों नेगेटिव में आना चाहिए था इसलिए नेगेटिव में आना चाहिए था क्योंकि ये कैसा लोड है कैपेसिटिव आपको क्या दिखाई दिया इसमें आपको ये दिखाई दिया कि ईएफ की जो वैल्यू है वो कम है जनरेटेड वोल्टेज कम है और आपका लोड टर्मिनल जो वोल्टेज वो ज्यादा है तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा आपका नेगेटिव होगा वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव आना चाहिए था या आपको समझ जाना चाहिए था स्टार्टिंग से क्योंकि इट्स अ प्योर कैपेसिटिव लोड और प्योर कैपेसिटिव लोड में अंडर लीडिंग लोड कंडीशन में आपका क्या होगा ईएफ की वैल्यू कम हो गई कंपेयर टू किससे वीटी से समझ में आई मेरी बात तो चलिए इस क्वेश्चन से जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको दिया अब यही कैपेसिटर जगह यही इंडक्टर हो सकता था अगर ये बाय चांस इंडक्टर होता तो इस फेजर में क्या डिफरेंस आता इस फेजर में केवल बताओ क्या डिफरेंस आता अगर ये इंडक्टर होता तो यही करंट क्या करती आपकी ये इस फेजर में क्या डिफरेंस होता बस इतना बताइए इस फेजर में क्या डिफरेंस होता ये आपका वीटी होता करंट अब क्या करती लैग करती 90 डिग्री से आइए लैग करती नेक्स्ट बताइए आइए एक्सेस जो आपका है वो क्या करता वो तो करंट को लीड करेगा तो अगर करंट को लीड करेगा तो आइए एक्सेस जो आपका आएगा लीड कराना ना आपको इसका मतलब क्या हो गया ये आपका करंट है और वोल्टेज को लीड कराना तो आइए एक्सेस यहां कहीं आता आइए एक्सेस यहां कहीं आएगा तभी करेगा ना लीड देखो ना ध्यान से आइए ये है इससे लीड कराना है आई एक्सेस को तो ऑब्वियस बात इस लाइन पे आएगा तो बताइए ईएफ जो आता वो कौन सी लाइन होती यहां से लेके पूरा यहां तक का क्या होता ईएफ वोल्टेज आता तो जो यहां आपने माइनस किया था 200 माइनस 10 इंटू 2 वही अगर यहां पे इंडक्टर होता प्योर तो इसका मतलब ये कितना आता 220 वोल्ट और जो की वैल्यू क्या हो जाती आपकी ईएफ की वैल्यू 220 आता और आपका क्या होता लोड वोल्टेज कितना 200 तो रेगुलेशन जो आता हो क्या होता पॉजिटिव का आता कितना पॉजिटिव की वैल्यू आती कितनी वैल्यू आती दैट इज इक्वल टू अगेन 10% तो इसका मतलब क्या होता ईएफ की वैल्यू ज्यादा मिलेगी वीटी से अगर ये प्योर इंडक्टिव लोड होता प्योर कैपेसिटिव है ईएफ वैल्यू कम आई है वीटी से तो इसका मतलब नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन अगर ये प्योर इंडक्टिव लोड होता तो यही पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन निकल कर आता क्योंकि फेजर डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा आपका इज इट करेक्ट तो ये क्वेश्चन से जो इन्फॉर्म ये क्वेश्चन लेने का पर्पज यहां इतना था कि आपको ये समझ माना चाहिए कैसे कैसे कैलकुलेशंस आपको परफॉर्म करने जब भी कोई क्वेश्चन आपका आता है लोड के ऊपर इज इट करेक्ट आप इस क्यू के बारे में इतना वरी मत करो कि रिएक्टिव पावर कैसे कैसे इतना आ रहा क्यों माइनस हो गया क्यों प्लस हो गया सब मैं बताऊंगा पावर फ्लो इक्वेशन में ओके चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है थैंक यू We'll be right back.